भक्त मंदोदरी ने अनेक प्रकार से समझाया लेकिन रावण ना माना। एक ही बार नहीं, मैंने बोला ना कई जगहों पर समझाया। आइए ये देखिए, जिस समय भगवान ने आकाश में घटाओं को घिरा हुआ देख करके बाण चलाया था, छत्र ताटन काट दिए थे, कर्णफूल गिरा दिया था, उस समय से मंदोदरी को और शंका बन गई। भक्त तुम मंदोदरी सोच उर्वशु और जवते श्रवण फूल माही गिरे। भक्तों मंदोदरी जब जब रावण आता है तब तब समझाती है, सजल नयन कहा युग कर जोरी, सजल नयन कहा युग कर जोरी, अरे सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। करके कहने लगी स्वामी राम विरोध कंत परिहर हूं, अरे जानी मनुज जनी हठौरा धर हूं। स्वामी पद पाताल शीश अज धामा, कहने लगी स्वामी तुम जिनसे बैर कर रहे हो प्रभु, अरे पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोग सुति अंग विश्रामा। कैसे हैं प्रभु पद पाताल शीश अजधामा, प्रभु जिनके चरण पाताल में है, जिनका शीश ब्रह्मांड में है, अन्य जो भी श्रुति हैं और जो लोक हैं वो सब उनके अंग हैं। स्वामी भ्रकुट विलास भयंकर काला, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, अरे नयन दिवाकर नगचतन माला। स्वामी ऐसा कौन सा लोक है जो प्रभु के अंग में समाया नहीं है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेश अपारा, स्वामी जिन प्रभु से तुम बैर करने जा रहे हो उन प्रभु के विषय में जानो तो कैसे प्रभु। अधर लोभ यम दशन कराला, अधर लोभ यम दशन कराला, अधर लोभ यम दशन कराला, माया हास बाहु दिस पाला। माया जय
कैसे हैं प्रभु? उनके अंग प्रत्यंग कैसे हैं नाथ? आनन आनल अम्बुपति जी हा, आनन आनल अम्बुपति जी हा, उत्पति पालन प्रलय शनि हा, उत्पति सारे संसार की रचना मंदोदरी ने प्रभु के अंग से स्पष्ट कर दी। क्या बोल रही है? स्वामी रोमा बाली अष्टदश माशा, रोमा बाली अष्टदश माशा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधगो यातना। स्वामी उदर उदधि अधगो यातना, जगमय प्रभु की कछुक कल्पना, जगमय प्रभु की बड़े ज्ञान और भक्ति की बात को भैया लोग श्रवण करें। मंदोदरी ने, तुलसी बाबा ने मंदोदरी के द्वारा रावण के प्रति शरीर से, प्रभु के शरीर से संबंधित संसार की रचना बतला दी। और क्या है? प्रभु क्या है? मंदोदरी करे, स्वामी प्रभु क्या है? अहंकार शिव बुद्धि अज, मन ससि चीत महान, मनुज बास चर अचर में रूप राशि भगवान, अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैर बिहाय, प्रीति करो रघुबीर पद मम अहि बात न जाए। कहने लगी, स्वामी यदि आप प्रभु से प्यार करते हो तो मेरा यह सुहाग अमर हो जाएगा। बिहसा नारी बचन सुनी काना, बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य कवि कहाई, नारी स्वभाव, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाई, अवगुण आठ सदाउर रहे, अवगुण जब मंदोदरी ने रावण को उपदेश दिया तब तो रावण भी मंदोदरी को उपदेश देने लगा। हम समझ गए, कवियों ने ठीक ही लिखा है, स्त्री के हृदय में, स्त्री में सदैव आठ अवगुण रहते हैं। कौन कौन? हंस करके कहने लगा, अच्छा स्त्री में, नारी जाति में आठ अवगुण हमेशा रहते हैं, कौन कौन से? साहस अनृत चपलता माया, साहस हिम्मत भी, अनरथ झूठ बोलना, नारी का गुण चपलता चंचलता, क्योंकि माया है ना, माया नारी है, भय अविवेक और डरपोक को बहुत रहती है, डरपोक भी है, भय अविवेक अज्ञानता मूर्ख असोच अपवित्रता अदाया, आठ अवगुण रावण बतला रहा है।
नारी में ये 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, हिम्मत, झूठ बोलना, चंचलता, मायापन, डरपोक, अज्ञानता, अपवित्रता और दया से रहित। 8 अवगुण तुलसी बाबा ने रामायण में स्पष्ट किए हैं, रावण बतला रहा है मंदोदरी के लिए। अब मैं समझ में आया, अब मेरी समझ में आया, मंदोदरी तू डर गई। रिपुकर रूप सकल तें गावा, रिपुकर रूप सकल तें गावा, अति विशाल भय मोहे सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी प्रण प्रसाद अब तोरे, समुझी परा बंधु। रावण कहने लगा, अब मैं समझा, जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, यही मिसा कहो मोरी प्रभुताई। नहीं माना रावण, तुम मंदोदरी मन महा असठयो, समझ गई मंदोदरी, मंदोदरी मन महा असठयो, यही काल बसी मति भ्रम भयो। इंतजार किया कि दोबारा स्वामी को हम समझावे, वो समय भी आया भक्तों, जिस समय अंगद गया रावण को समझा दिया। ये कथा आप सुनेंगे, अंगद रावण संवाद। अंगद जब लौट आया सेना का मान मत के, तब तो मंदोदरी रावण पहुंचा अंतापुर में, मंदोदरी फिर आई समझाने, कहने लगी स्वामी कंत समुझी मन तजो कुमती, सोहन समर तुम ही रघुपति, स्वामी आप में और प्रभु में युद्ध नहीं जच रहा है, क्यों? सोचो तो प्रभु, राम अनुज धनुरेख खचाई, राम अनुज धनुरेख खचाई, उसो नहीं लाघ्यो अस मनुषाई, उनके छोटे भैया ने रेखा खींची थी धनुष से, वो रेखा तुम नहीं लांग पाए। महाराज किमिते ही ते जीतव संग्रामा, अरे किमिते ही ते जीतव संग्रामा, और जाके दूतन के अस कामा, छोड़ो महाराज
उनके छोटे भाई की बात छोड़ो जिनके दूतों के ऐसे कार्य हैं महाराज। कैसे काम? आपकी देखते देखते कौतुक सिंधु लाही एक आवा। महाराज खेल खेल में एक बंदर लंग समुद्र को लांग आया। अरे कौतुक सिंधु लांगी तव लंका, औ आयो कपि के हरि असंका। देखते देखते एक वीर एक बानर समुद्र पार करके लंका को आया। महाराज रखवारे हाथी दीपी नौ जारा, रखवारे मार डाले, बगिया उजार डाली। इतना ही नहीं किया स्वामी, रखवारे हाथी बीपी ना उजारा। अरे देखा तुम ही अक्षज ही मारा, जारी नगर जही कीने ओछारा, जारी नगर जही कीने ओछारा। अरे कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, जिसने लंका को जला दिया, मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, तुम्हारा बल कहां गया था? अब पति मृखा गाल जनि मारहू, अब पति मृखा गाल जनि मारहू, मोर कहा कछु हृदय बिचारहू। स्वामी अब भी मेरी बात मानो, और अगर प्रभु के बाण की बात जानना चाहते हो स्वामी तो सुनो। बाण प्रताप जान मारी जा, बाण प्रताप जान मारी जा, तासु कहा नहीं माने हो नीचा। महाराज मारीच की बात नहीं मानी तुमने, और बोलो महाराज और बताओ महाराज। जनक सभा अगणित मही पल, जनक सभा अगणित मही पाला, रहू तहां तुम गर्व विशाला। तुम भी थे तब तुमने क्यों नहीं संग्राम किया था, वहां पर बाण क्यों नहीं दिखलाया था? और बता दूं महाराज, सुरपति सुत जानै बल थोरा, भगवान के बाण का बल इंद्र का पुत्र जयंत जानता है। सुरपति सुत जानै बल थोरा, राखा जियत आंखिए का फोरा। और बता दे महाराज, सुपनखा की गति तुम देखी, जब या अपनी बहनी की हालत देखी तुमने स्वामी? सुपनखा की गति तुम देखी, तनपी हृदय नहीं लाज भी से की।
जरा विचार करो, बधि बिराध खर दूषण ही, विचार करें प्रभु, बधि बिराध खर दूषण ही, लीलही हत्यो कबंध बालिए कसर मारो सोनर कस दश कंध। स्वामी जरा विचार को, जिन्होंने विराद का मार डाला, खरदूषण का अंत कर दिया, लीला लीला में कबंध का गिरा दिया, कबंध को उतार दिया। महाराज बाली, जिसने तुमको 6 महीने बगल में दावा था, उस बाली को प्रभु ने एक बाण से मार दिया, जरा बताओ तो वो मनुष्य है? स्वामी जही जलनाथ बंधाए उहेला, जही जलनाथ बंधाए उहेला, उतरे ओ कापी दल सहित सुबेला। फूल के तू कारुनी का दीन कर फूल के तू, दूत पठायो तब ही तहे तू, जिन्होंने समुद्र का बांध करके सेना को सुवेल पर्वत पर लाकर के खड़ा कर दिया है। महाराज जिन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए दूत बना करके अंगद को भेजा, महाराज जिस वीर ने सभा मांझे जेही तब बल मथार, सभा मांझ गेही तब बल मथा, सभा मांझ गेही तब बल मथा, करी बरूथ मह मृगपति यथा, भरे दरबार में आकर के जिस अंगद ने सारी सेना का मान मार दिया है। स्वामी विचार करो, सभा मांझ जेही, आहा कौन है वो? विचार करो स्वामी, अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बाकुरे वीर अति बांके, रण महाराज जिनके अंगद और हनुमान जैसे सेवक हो प्रभु, ते ही कर पिया पुनि पुनि नर कहाऊ,
जय जय भैया। महाराज ऐसे प्रभु को तुम बार बार नर कह करके पुकारते हो। तेही कहा पिया पुनि पुनि नर कहाऊ, मृखा मान ममता मद कहाऊ। कंतकत राम विरोधा, आह कंतकत राम विरोधा। काल बिबस मन उपजन बोगा। मंदोदरी कहने लगी, स्वामी मैं जानती हूँ काल के बस तुम्हारे में क्या नहीं हो रहा। स्वामी जरा विचार करो। स्वामी दुई सुत मारे दह्योपुर, एक को हनुमान ने मारा, एक को अंगद ने मारा। स्वामी दुई सुत मारे दह्योपुर, आज हूं पियसिय देहू। अब भी भला है स्वामी, अब भी भला है। दो बेटे मारे गए, लेकिन आज भी स्वामी अगर तुम सीता उनकी वापस कर दो तो कल्याण है। दुई सुत मारे दह्योपुर, आज हूं पियसिय देहू। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी। नाथ विमल यस लेहु, महाराज अब भी कल्याण है। यदि प्रभु का ध्यान आप करने लगे इसमें भी कल्याण है। बंधु मंदोदरी ने नाना प्रकार से रावण को समझाया, परंतु काल विवश समझ में नहीं आ रहा है। नारी बचन सुनी विसिख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बंधु मंदोदरी की बात को ना माना और जाकर के सभा में बैठता है। आगे कथा अन्य कैस्टों में श्रवण करेंगे। एक बार जयकारा लगाओ। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।